सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल उपेंद्र सिंह कुशवाहा को और बेल आइकन दबाइए इस लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र सिंह कुशवाहा है। मेरे वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी के नए नए पॉइंट के बारे में जानकारी दूंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आज का हमारा विषय है घुटनों का दर्द, नी पेन, जो आज काफी लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ बढ़ गई है, हमारे खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए सारा वजन हमारा घुटनों पे आता है, ओवरवेट भी हो जाता है हमारा, और जो पाचन शक्ति है वो मंद हो जाती है। तो उससे हम ज्यादातर खाना रात को खाते हैं और दिन में भागदौड़ ज्यादा करते हैं, तो रात को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से आम होता है, और आम की वजह से हमारे उसमें से वायु उत्पन्न होता है, उसको आम वात बोलते हैं। तो ये दर्द सीधा हमारे घुटनों से शुरू होता है, जो वात रोग है हमारे घुटनों से शुरू होता है। तो ये घुटने का दर्द अभी जो बढ़ रहा है उसका रीजन यही है कि खड़े खड़े हम काम करते हैं, हमारा ओवरवेट होता है, तो फिर हम इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। थोड़े दर्द से हम शुरुआत करते हैं लेकिन उसमें हम अवॉइड करते हैं कि चलो होगा देखा जाए, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम आपको उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताएंगे और आपको उसके लिए टिप्स भी देंगे और कहां इसका दर्द होता है, और लेप आपको बताएंगे कि इसमें लेप कौन सा करना है और कब करना है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके पॉइंट के बारे में। तो ये दोस्तों आपको ये मार्क दिख रहा है, इस जगह पे आपको कम से कम 15 बार पॉइंट देना है, यहाँ पे इस उंगली में, बीच वाली में, और 15 बार इस उंगली में। ऐसे ही आप लेफ्ट पैर के लिए दोनों में देना है, और राइट, ये हमारा राइट लेफ्ट पैर है और ये राइट पैर है, दोनों में मार्क किया हुआ है। यहाँ पे दोनों में आपको पॉइंट देना है, जो पॉइंट आपको इस हिसाब से देना है, पूरा ये उंगली पकड़ के ऐसे पूरे में पॉइंट देने हैं, और इसमें भी ऐसे ही देने हैं। ये 15-15 पॉइंट देंगे तो दर्द में काफी हद तक राहत हो जाएगी। अब हम हाथ में सीखेंगे कि घुटनों के लिए एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं। ये बीच वाली उंगली है, तो इसमें आप यहाँ पे यहाँ तक जैसे मार्क मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट दे सकते हैं, ये। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको समझाया था कि पेंसिल से और पेन से भी आप प्रेशर कर सकते हैं, तो आप ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं दोनों उंगली में 20-20 बार। ऐसे ही दोनों हाथ की ये दोनों बीच वाली उंगली में आप प्रेस करेंगे तो ये आपको मार्क दिखाई दे रहा है, इस पे प्रेस करने से भी आपको काफी राहत मिल जाएगी घुटनों के दर्द में। अब हम देखेंगे हमें घुटनों में दर्द कहां पे होता है। ये जो हमारा जोड़ है, तो ये जोड़ हमारा मूवमेंट करता है, तो ये मूवमेंट से हमें यहाँ पे जो लुब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से हमें दर्द फील होता है और हम उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब बंद कर देते हैं दर्द की वजह से। तो ये दर्द न हो आपको, तो मैं अब उसके बारे में आपको 2-3 टिप्स भी दूंगा कि ये दर्द पे आपको क्या करना है जिससे आपको राहत हो जाए। आपको अगर सूजन नहीं है पैरों में तो कैस्टर ऑयल यानी अंडी के तेल से आप हल्के हाथों से यहाँ पे 5 मिनट इस पैर में और 5 मिनट इस पैर में दोनों घुटनों में आगे पीछे मसाज कर सकते हैं, और ये रात को करनी है आपको, फिर पोंछ देना इसको, और पोंछने के बाद सुबह उसको गर्म पानी से धो लेना है। इसमें ही आपको एक और टिप्स देना चाह रहा हूं कि आपको अगर सूजन है यहाँ पे घुटनों पे, बहुत सूजन है, डॉक्टर वो बोलते हैं कि इसमें पानी भर गया है, तो आपको सरल उपाय बता रहा हूं। 2 चम्मच सौंठ का पाउडर लेना है और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसको पेस्ट बना के यहां से यहां तक रखना है आपको, पहले पेस्ट जैसा बन जाए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, यहां से यहां तक रखना है, और कम से कम 45 मिनट आप रखेंगे इसको, और डेली करना है आपको, कम से कम 15-20 दिन करना है, और कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, जब भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। ये 15-20 दिन करने से आपको सूजन बिल्कुल निकल जाएगी और दर्द में भी काफी राहत मिल जाएगी। अभी एक और चीज आपको पेस्ट के तौर पे बता रहा हूं, हल्दी, सौंठ और अजवाइन और लहसुन, ये सब चीज को इकट्ठा मिक्स करके सब सेम लेना है एक मात्रा में, और यहाँ पे आपको लेप करना है। वो लेप करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट ही रखना है, बस 10 मिनट के बाद इसको धो लेना है, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा।
तो दोस्तों हमने आपको दो तीन चीजें बताई, इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताए और इसमें लेप के बारे में भी बताया आपको, और इसमें आपको तेल के बारे, मसाज के बारे में बताया। तो ये आप करेंगे तो इसमें आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। और एक दो टिप्स आपको देना चाहता हूँ, जो काफी सालों से परेशान है उनके लिए, जो डॉक्टर बोलते हैं लुब्रिकेंट कम हो गया है, उनके लिए सरल उपाय बता रहा हूँ। एक कटोरी गाय का दूध, 1 चम्मच गाय का घी और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, ये सब मिक्स करके रात को सोने से पहले डेली लेना है। आप 1 साल तक लेंगे तो आपको लुब्रिकेंट भी हो जाएगा और वात रोग से आपको निजात भी मिल जाएगी। एक और टिप्स आपको दे रहा हूं, हर श्रृंगार, आपने सुना हो कि पारिजात बोलते हैं इसको, दूसरा नाम इसका पारिजात है और हिंदी में इसको हर श्रृंगार कहते हैं। तो ये आप इसके 5 पत्ते लीजिए और 3 काली मिर्च, तो ये सब मिक्स करके इसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और इसको सुबह उबालना है आपको। आधा गिलास पानी रहे तब तक उबालना है, फिर इसको खाली पेट यानी सुबह उठते ही छान कर पी लेना है। ये आपको 15-20 दिन तक ये करना है। इससे आपको घुटनों के दर्द में काफी हद तक राहत भी मिल जाएगी, सूजन भी कम हो जाएगी और आपके रोजमर्रा के काम में भी आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। आपने ये जानकारी देखी कि घुटनों के दर्द में हम कैसे राहत पा सकते हैं, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा कि दर्द में राहत हुई नहीं हुई, तो हमारे साथ चर्चा भी कर सकते हैं और हमें अपना जो दर्द है उसके बारे में, अगर आपको दर्द से राहत नहीं मिल रही है और ज्यादा बढ़ गया है या इससे फायदा नहीं हुआ है, तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।